हेलो, तो कैसे हो आप लोग। तो आज थंबनेल देख के तो समझ ही गए रहोगे कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी फ्लाइट है 1:30 बजे की और अभी हो रहा है 10:30। और अभी हम लोग घर से निकल गए, तो अभी जाने को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है मेरे यहाँ से। ऑलरेडी लेट है बट अभी देखते हैं, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए बस, बाकी देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम आ गए, तो अभी आ गए हम लोग अंदर। अभी विस्तारा के काउंटर पे आके लगेज चेकिंग कर देते हैं, फिर जाते हैं आगे। तो अभी हम लोग को जी काउंटर पे आने का, देखो यहाँ पे, फिर बैग्स चेक इन करेंगे, फिर आगे जाते हैं फिर। तो अभी मिल गया यहाँ पे, अभी चेक इन करके फिर आगे जाएंगे। तो हमारे टिकट्स मिल गए, अभी आगे जाएंगे। कौन सा गेट पे जाना है? 86। अभी अंदर आ गए, अभी अगले गेट पे, गेट कौन सा? 86। तो अभी अंदर आ गए, अभी बैग वगैरह चेक करके फिर आगे निकलेंगे। तो अभी यहाँ पे बैग चेक इन के लिए डाल रहे हैं, चेक बैग भी मिल गया। अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे फिर वहाँ से गेट में जाएंगे। तो अभी हम लोग नीचे आ गए, और पता है मेरे मम्मी को एस्केलेटर पर बहुत डर लगता है, बहुत डर डर के नीचे है। क्या दिख गया अभी देखो, इनका जिंदगी भी रील बनाने में ही कट जाएगा। पब्लिक भी नहीं दिखता कुछ। हाँ नहीं छूटे। तो अभी हम लोग आ गए, अभी गेट नंबर 86 पे जाना है, यहाँ से लेफ्ट है देखो। तो अभी टाइम है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है मुंबई एयरपोर्ट का। अभी फ्लाइट को टाइम है, तो हम लोग ऐसे ही वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और इतने लोग के बीच में व्लॉगिंग करने को भी शर्म आ रहा है, पर कर रहे हैं। तो अभी बोर्डिंग चालू हो गया, तो हम लोग भी जा रहे हैं बोर्डिंग कर देते हैं। टिकट चेक हो गया, अभी फ्लाइट में जा रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं को यहाँ से। फिर यहाँ अंदर आके टेम्परेचर बहुत गर्म है। अभी फ्लाइट भी टेक ऑफ हो गई है और बहुत भूख लगी है, तो देखते हैं लोग भी कुछ खाने देते हैं कि नहीं। ये देखो विस्तारा वालों ने ये फूड सर्व किया था हमको, हमने वेज ऑर्डर किया था इसलिए। लंच होते ही ये लोग ने कॉफ़ी भेज दिया, इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे। 4 बजे फ्लाइट भी लैंड हो गई। तो अभी हम लैंड हो गए, अभी बाहर जाएंगे, बाहर मेरे मामा है लेने। हमको भी यहाँ के पता चला कि हम लोग बस से जाने वाले हैं रनवे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए एयरपोर्ट पे, यहाँ से लगेज कलेक्ट करेंगे फिर बाहर जाएंगे। तो ये देखो, ये बनारस का एयरपोर्ट है, यहाँ पे लगेज मिल रहा है। अभी देखते हैं हमारा आया कि नहीं। तो अभी हमारा लगेज आया नहीं और हम लोग वेट कर रहे हैं उसका ही। अभी देखते हैं, फटाक से आना चाहिए, मतलब बहुत टाइम लगता है आने को कभी कभार। मेरे को कैसे गिर रहा है, अभी आएगा देख कैसे टपक रहे पर से। इतना देर वेट करके अभी एक ही बैग आया, अभी और एक बैग पता नहीं किधर है, तो भी बहुत टाइम लग रहा है। फाइनली बैग आ गया, तो अभी निकल रहे बाहर आ गए। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो मेरे मामा आए लेने को बाहर। किधर है अभी? हाँ यहाँ से बाहर आए, तो मेरे मामा नहीं आए बट उनका बेटा है, तो मेरा भाई लगेगा इधर। तो गाड़ी हमारे गांव की सबसे टफ गाड़ी स्कॉर्पियो, ज़्यादा यही गाड़ी दिखती है, स्कॉर्पियो और बोलेरो। अभी कहीं तो रुके हम लोग, फिर अभी ट्रैवलिंग करते करते पक गया एकदम, और अभी देखते हैं किधर फटाफट से जाते हैं। 2 घंटा और है, अभी पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। ये देखो तो हम लोग भी आ ही गए ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही है अभी बस यहाँ से। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ तो अभी चेंज करके सो जाऊँगा। बाय बाय।